पुलवामा हमले की तीसरी बरसी पर पत्रकार सहायता समिति कन्नौज के पत्रकारों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं केपीवीएन न्यूज। कन्नौज में श्रीनगर में हुए पुलवामा हमले की आज तीसरी बरसी है। आज के ही दिन 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले में हमारे 40 वीर सपूत शहीद हो गए थे। उनकी याद में आज उत्तर प्रदेश पत्रकार सहायता समिति के प्रदेश अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कन्नौज सदर तहसील में बने शहीद स्मारक स्थल पर उन वीर शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दरअसल आज के ही दिन 14 फरवरी 2019 को भारत ने अपने वीर सपूतों को एक आतंकी आत्मघाती हमले में खो दिया था। पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। इसे लेकर पूरे देश में हर साल इसी दिन लोग अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और देश के लिए किए गए उनके बलिदान को नमन करते हैं। इसके अलावा इस दिन को काला दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद दुबे, महामंत्री कुशल मिश्रा आदि कई लोग इस मौके पर मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह धुआंधार, जिला पत्रकार सहायता समिति। आज किस प्रकार का प्रोग्राम किया गया है? पुलवामा हमले में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे 14 फरवरी 2019 में शहीद हुए थे। तहसील कन्नौज तहसील प्रांगण में तहसील में शहीद दिवस पर हम लोगों ने पत्रकार सहायता समिति के सभी पदाधिकारियों ने कैंडल जलाकर वीर सपूतों को याद किया, नमन किया। बहुत देश में हम लोग सुरक्षित हैं तो उन सपूतों की वजह से सुरक्षित हैं और हम लोगों के साथ में कन्नौज जिले के वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद दुबे जी, प्रदेश अध्यक्ष मुजीब खान जी, हिमांशु जी, कुशल मिश्रा जी, रंजीत पाल जी और प्रिंस श्रीवास्तव जी आदि अन्य हमारे जो पत्रकार साथी हैं कन्नौज जिले के, सब लोग उपस्थित हुए यहाँ पर, नमन किया। और आने वाले समय में हम लोग भव्य कार्यक्रम करेंगे।